क्लास अब देखिए, होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ और है, एंडोस्पर्म में भी आइदर कम्प्लीटली कंज्यूम, मतलब किसी किसी प्लांट में एंडोस्पर्म पूरा कंज्यूम्ड हो जाता है, मतलब आपको नहीं दिखता है एंडोस्पर्म पूरा कंज्यूम हो जाता है। जैसे पी, ग्राउंड नट, बीन्स, इनमें पूरा पूरा एंडोस्पर्म कम्प्लीट कंज्यूम हो जाता है द डेवलपिंग एम्ब्रियो, बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है, जब ये एम्ब्रियो डेवलप करते हैं बिफोर सीड। कुछ प्लांट्स में क्या होता है, कुछ फ्रूट्स में क्या होता है कि आपके जो एंडोस्पर्म है पूरा कंज्यूम नहीं होता है मैच्योर। जैसे आपने देखा होगा अभी कोकोनट का एग्जांपल बताया था, जो वाटर था उसके अंदर का क्लास, वो क्या था आपका, कोकोनट न्यूक्लियाई था, वो फ्री न्यूक्लियाई था आपका, ठीक है, एंडोस्पर्म फ्री न्यूक्लियाई था, और ये जो आपका बाहर का सेल था वो एंडोस्पर्म सेल था इसका, ठीक है ना। जो बाहर का था वो सेल था और अंदर का क्या था, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था, न्यूक्लियाई था, ठीक है, और बाहर का पार्ट सेलुलर एंडोस्पर्म था। तो वाइट कर्नल को आप कह रहे हो एंड वाइट कर्नल को सेलुलर एंडोस्पर्म कह रहे हो, अंदर के पार्ट को कह रहे हो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है क्लास। और जो 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 आपके पूरे कंज्यूम कर ले रहे हैं उनका एग्जाम्पल है पी, ग्राउंड नट, बीन्स, ठीक है क्लास। अब देखिए, अभी आपने ये पढ़ लिया कि जो आपका ये था आपका ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर आपके 7 cell 8 स्ट्रक्चर था, उसके अंदर आपने ये पढ़ लिया कि ट्रिपल फ्यूजन से जो बना था एंडोस्पर्म, उसमें उसके बारे में आपने पढ़ा। अब आपने पढ़ा ट्रिप्लॉइड मतलब एंडोस्पर्म के बारे में। अब यहाँ पे आपका एग सेल से जो सेल फर्टिलाइज हुआ था, ये एग सेल जो सिनर्जिड के पास था एग सेल बीच में, उससे जो फ्यूजन हुआ था उससे डिप्लॉइड बन रहा था। अभी आप उसके बारे में पढ़ेंगे, डिप्लॉइड जो बन रहा था जायगोट था, जायगोट होता है डिप्लॉइड, जायगोट से क्या बनता है आपका एम्ब्रियो, मतलब अब आपको एम्ब्रियो के बारे में पढ़ना है क्लास। एम्ब्रियो कैसे हुआ था क्लास, देखिए जो एग सेल था उससे आपका एक मेल गैमिट का फ्यूजन हुआ था, ठीक है, जनरेटिव सेल से जो मेल गैमिट, दो मेल गैमिट आए थे, एक मेल गैमिट का आपसे सेकेंडरी सेल से फ्यूजन हुआ था, एक मेल गैमिट का एग सेल से फ्यूजन हुआ था। तो एग सेल से जो मेल गैमिट का फ्यूजन हुआ था उससे आपका फॉर्म्ड हुआ डिप्लॉइड, जिसको आप जायगोट कह रहे थे। अब जायगोट से बनेगा आपका एम्ब्रियो, जिसके बारे में अब आपको पढ़ना है क्लास, ओके क्लास।